हे गाइस, वेलकम बैक टू केजी व्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है संडे और आप सबको पता है संडे को होती है हमारी राइड। सुबह के बजे हैं 7 और आज हमारे साथ राइड पे है S1000 RR M Sport। काफ़ी लोगों ने मुझे DMs किए थे, उनको एक कंपैरिजन वीडियो चाहिए थी S1000 RR और अपनी Venom ZX10R की एक कंपैरिजन वीडियो चाहिए थी। सो मैंने सोचा आज साथ में राइड करते हैं और एक कंपैरिजन वीडियो भी बना देते हैं। गाइस देखिए सामने क्या अमेजिंग सनलाइट आ रही है। पहले गाइस हम बेसिक स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। S1000 RR M Sport और प्रो दोनों के स्पेक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है। आई मीन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, इंजन कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों में सेम है, 207 PS, 130 Nm का टॉर्क, 999 cc लीटर क्लास बाइक है S1000 RR। अभी अपनी Venom ZX10R के बारे में बात करते हैं गाइस। ZX10R 998 cc की बाइक है, 203 PS, 213 PS रैम है गाइस, 115 Nm का टॉर्क है। टॉर्क S1000 RR से थोड़ा ज़्यादा है बट आई डोंट थिंक सो एक दो नंबर से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अभी गाइस आप लोगों को क्वेश्चन होता होगा प्रो और एम स्पोर्ट में क्या डिफरेंस आता है। गाइस S1000 RR प्रो और एम स्पोर्ट में काफ़ी मेजर डिफरेंस है। एक तो S1000 RR M Sport के अलॉय व्हील्स जो होते हैं वो कार्बन फाइबर होते हैं, लिथियम बैटरी आती है जो काफ़ी हल्की होती है, वेट रिडक्शन के लिए उसमें लिथियम बैटरी दी गई है। एम स्पोर्ट की रेयर सीट आती है, रेयर टायर गाइस जो है एम स्पोर्ट का वो 200 सेक्शन का आता है जबकि प्रो है वो 190 सेक्शन का आता है। सो टायर की विड्थ थोड़ी बढ़ जाती है गाइस। एम स्पोर्ट में एक्सक्लूसिव कलर वाइट ब्लू एंड रेड स्ट्राइप वाला जो एक्सक्लूसिव कलर एम स्पोर्ट में ही आता है, प्रो में आपको ब्लैक और सिल्वर मिल जाएगा। अभी हमारे ग्रुप में S1000 RR है, उसके साथ छोटी सी राइड करते हैं। ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, यहीं पास में है, छोटी सी राइड करते हैं। मिराक भाई विद डुकाटी पैनिकल 959, अपने दीपक भाई आ गए हैं BMW S1000 RR लेके। 2021 हमारी 20 को आ रही है। वो एबनी ब्लैक ही है। अच्छा, और इसके ज्यादा कंफर्टेबल किसमें? कंफर्टेबल इसका ज्यादा कंफर्टेबल है, वो थोड़ा अग्रेसिव है। गाइस ये BMW हमारे गुजरात की सबसे लाउडेस्ट BMW है। अकरा प्रोविच के हेडर और अकरा प्रोविच का शॉर्ट कैन लगा हुआ है। कैसी आवाज़ आ रही है कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस। गाइस कितनी लाउड है और अकरा प्रोविच का शॉर्ट कैन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है S1000 RR पे। लग ही नहीं रहा है कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है।
गाइस जस्ट ब्रेकफास्ट फिनिश किया हमने और अभी रिटर्न हो रहे हैं, वापस घर जा रहे हैं। अच्छा है आज बहुत ट्रैफिक नहीं है, सो काफ़ी मज़ा आ गई राइड करके। गाइस काफ़ी धूप लग रही है, हम लोग जनरली अर्ली मॉर्निंग इसीलिए निकलते हैं कि रिटर्न में आते टाइम पे ज़्यादा धूप ना लगे। फिर भी आज वेदर काफ़ी बादलों वाला है, काफ़ी क्लाउडी वेदर है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है BMW S1000 RR जो है वो ज़्यादा पावरफुल है ZX10R से, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों लीटर क्लास बाइक है। BMW S1000 RR इससे थोड़ी लाइट वेट है, सो पॉइंट सेकंड्स कुछ उसका 0 to 100 है वो अपनी ZX10R Venom से फास्टर है। बाकी दोनों जो है वो एक ही कैटेगरी की बाइक है। अभी गाइस हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग रिगार्डिंग, BMW S1000 RR जो है वो इतना कॉस्टली क्यों है, ZX10R थोड़ा चीपर क्यों है। गाइस उसका रीज़न है ZX10R जो है वो CKD है, S1000 RR है वो CBU है, उसका टैक्स स्लैब ज़्यादा होता है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है S1000 RR पे, इसके लिए वो महंगी है। ZX10R जो है वो CKD यूनिट है, कम्प्लीटली नॉकडाउन यानी असेंबली ZX10R की अपने इंडिया में होती है, सो उस पर टैक्स भी कम लगता है और वो चीपर भी पड़ता है, सो इसका प्राइस चीप है। बाकी कोई और रीज़न नहीं है कि S1000 RR है वो महंगी है तो वो ज़्यादा अच्छी है, ZX10R सस्ती है तो वो उसकी क्वालिटीज़ में इश्यू है या उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर BMW S1000 RR को CKD रूट से लाती है तो वो भी 5-6 लाख रुपए कम में होगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। जो लोग पहली बार मेरी चैनल पे है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो। साइनिंग ऑफ गाइस, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।